यस करेक्ट आपकी टर्न हो गई दिया लास्ट में आई 181 और 180 लैटिट्यूड्स कोई भी है दोनों एक्सेप्टेड है लैटिट्यूड्स ऑन अर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट नो क्या गलती है इसमें हरिय वो ठीक है उन्होंने सही किया 180 ही है या उन्होंने कहा 181 है 181 इन डैश स्टेट वेयर द इक्वेटर कैलकुलेटेड ट्वाइस जीरो डिग्री नाइंटी इन नॉर्दर्न एमोस्फियर 19 इन सदर्न एमोस्फियर इन दैट इक्वेटर कैलकुलेट टाइस इफ यू स्टार्ट योर जर्नी इफ यू मूव फ्रॉम अ साउथ पोल टूवर्ड्स अ नॉर्थ पोल अगर आप मैयर करना स्टार्ट करोगे वन लैटिट्यूड्स वन होंगे अदरवाइज 90 लैटिट्यूड्स नॉर्थ है नाइन्टी डिग्री साउथ है यहां इक्वेटर दो टाइम कैलकुलेट हो रहा है

181 on earth. क्या जाएगी आर्थ है किसने कहा को जाना है आर्थ है अगर मैं यहां खड़ा खड़ा घूमने लग जाऊं मैं उसको रिवॉल्व करूंगा रेवोल्यूशन हो रहा है मैं अपनी जगह पर घूम रहा हूं मैं अपनी जगह से हेल्थ हो ना रहा हूं आप कह रहे वो चली जाएगी क्या चली जाएगी नाउ रमनी कौर करेक्ट है नाउ दिया आयान कोली करेक्ट गुजाप यस यू वेट करेक्ट है नाउ ऑनलाइन विच ऑनलाइन सेडा नॉल ऑफ यू यू ऑल आर इन करेक्ट बिकॉज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन ग्लोब मैंने अर्थ कहा मैंने ट्वेंटी टाइम्स रिपीट किया आथ, आथ, आथ. आथ के ऊपर तो कोई लाइन ही नहीं है इक्वेटर नॉट ड्रॉन ओवर ओवर इट ग्लोब फॉर ना क्या गलती थी, थी, थी। सिंपल अर्थ के ऊपर कोई लाइन नहीं बनाई इवन कंट्रीज भी नहीं है अर्थ के ऊपर तो कॉन्टिनेट लैंड एरिया क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आंसर यही था लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस आंसर फॉल्स था उन्होंने सही कहा था स्टेटमेंट फॉल्स 181 180 लैटिट्यूड्स आर देयर बट दीस आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन ग्लोब अर्थ के ऊपर नहीं मैं अर्थ रिपीट कर रहा था जो जो से सभी कह रहे हां जी ठीक है बिगेस्ट मिस्टेक ओके नेक्स्ट वन अनदर स्टेटमेंट सो मेनी स्टेटमेंट्स आर देयर

बोथ करेक्ट, कुरेक्ट यस यू रुद्रुजराब जिन्होंने करेक्ट कहा दे कैन सेट आपने कुछ कहा नहीं डाउन। अनदर इजी क्वेश्चन अरेंज द सर्टेन दीज नंबर ऑफ कंट्रीज ध्रोव से स्टार्ट करेंगे अरेंज दीस नंबर ऑफ कंट्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट East to West. I'm repeating again as a East to West. First, Myanmar. Second, Nepal. Third, Afghanistan. Fourth, Pakistan. Through Myanmar, Nepal, Afghanistan, Pakistan. East to West.

ऐसे किसी स्टेट का भी आ सकता है ठीक है सो मेनी नंबर ऑफ स्टेट्स आर देर हाउ मेनी स्टेट कोहली हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया ट्वेंटी एट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स कैपिटल कैपिटल्स ऑफ स्टेट हेवन बत्रा हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ऑफ कैपिटल्स आर ऑफिटल ऑप्शन सेकेंड ट्वेंटी सिक्स थर्ड ट्वेंटी सेवन फोर्थ ट्वेंटी एट मंगोत्रा ट्वेंटी एट यू ट्वेंटी सेवन अश्वीत आस्था ट्वेंटी सेवन जिन्होंने कॉमन कैपिटल चंडीगढ़ जो नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में बनी थी और आज तक ही है जो कहते हैं ट्वेंटी एट है वो हाँ बोलो वो कैपिटल तो ना उनकी इट डे आरिंग हाई कोर्ट गुवाहाटी इज अ कॉमन हाई कोर्ट यूज बाय द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सिक्किम अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा उन स्टेट्स के अंदर कॉमन हाई कोर्ट है उनकी ठीक है कैपिटल उनकी सेपरेट है फॉर एग्जाम्पल टू द असम गैंगटॉक द सिक्किम अरुणाचल प्रदेश हैविंग द कैपिटल स्टैंडिंग बोचर्स अरुणाचल प्रदेश कैपिटल अरुणाचल प्रदेश कैपिटल वेरी गुड ईटानगर नागालैंड स्टैंड बोचर्स कोइमा से डाउ क्स्ट एज अ मेघालिया यस शिलोंग वेरी गुड सो सेवन स्टेट आर हैविंग एज अ सेपरेट कैपिटल बट ओनली पंजाब एंड हरियाणा कॉमन कैपिटल चंडीगढ़ वो कह रहे हैं ट्वेंटी एट है पंजाब की सेपरेट कैपिटल हरियाणा की सेपरेट वो कह रहे हैं चंडीगढ़ गए हो कभी सो दिस चैप्टर लास्ट क्वेश्चन स्विस्कनाल Suez Canal Suez Canal it was built as a, to reduce the distance between the Europe and Europe and India how much distance has reduced due to as a construction of a Suez Canal options are Bhavish Sani option A 5000 B 6000 C 7000 D 8000 how much total distance in kilometers reduced due to the construction of a Suez Canal in a wait उजेंड सेवन थाउजेंड किसी एक को बैठा लो ये नहीं बैठेगा दिस इज द कंडीशन नहीं बिठाना चाहते थैंक यू डाउन डाउन सो से कुछ पूछना चाहते सेवन थाउजेंड सो स्वेज कैनाल बिल्ट इन विच कंट्री बिल्ट इन विच कंट्री इटली ए बी इजिप्ट सी सऊदी अरेबिया डी अफगानिस्तान वेट यस Saudi Arabia, Egypt. It built in Egypt, 1869, interlinks the Red Sea and Mediterranean Sea. Red Sea and Mediterranean Sea. Very good. Any questions related with our chapter of geography? Everything is clear from this chapter. One thing has remains. The shallow water body which has lies in between of in between of Hargun. A shallow water body which has lies in between of India and Sri Lanka. इंडिया एंड श्रीलंका नो ऑप्शन आ दे गुंद इंडियन ओशन पाक स्टेट पी एल के एस टी आर ए आई टी एस टी आर ए आई टी पाक स्टेट क्लियर वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गल्फ एंड अ स्टेट, गल्फ एंड स्टेट

as for the average there is the deepest ocean of the world is a pacific ocean mariana trench is the deepest part 11026 meters at their depth sit down all of you bhavish Wilson. yes sit down bhavish second chapter physical divisions of india so what are the forces which are act on a surface of an earth crust surface of earth crust what are the forces which are act on a surface of earth crust first internal forces

फर्स्ट इंटरनल सेकेंड एक्सटर्नल थर्ड ग्रेविटेशनल फोर्थ थर्ड ऑप्शन एबीसी में थर्ड वाला जिसमें कहा गयाउंडेड लैंड फॉर्म आर नॉट एक्सटेड internal and external forces sit down bhavish internal and external forces are leads to the formation of a landforms internal forces works beneath the layers of earth crust external forces are act on a surface of earth crust surface of earth crust weathering and erosion are the processes or the forces bhatia erosion and weathering are the processes or the forces act on a surface of earth crust above the surface of earth crust Weathering and erosion are the processes or the forces act on a surface of Earth crust. Sneha Batia, no comments. Dhruv, answer. Question repeated two times. Up. विंड वॉटर ग्लेशियर एंड सी वेव इनके थ्रू लैंडफॉर्म्स बनते हैं दीज आर दोर्सेस विच लीड यू द प्रोसेसेस एज अ वेदरिंग मीन्स अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इरोशन मीन्स वेन द अपर मोस्ट लेयर है Flowing water or blowing wind. So, wind, water, glaciers are the exogenic forces, external forces. Internal forces are volcanism, earthquakes, and tectonic movements. Clear? Our chapter has based upon internal movements, tectonic movements, plate tectonics. Concept of plate tectonics. The tectonic uh, concept has used for a continental part of the earth. Continental part of the earth, which has floating above of a magma, because of the float above of a liquid material, these.

So two plates move towards each other. When the two plates they are moving towards each other under such circumstances, now whatever the material is there, it's a horizontal strata. Two plates are moving towards each other. Under such circumstances, whatever the present in between of these two lithospheric path, tectonic plates, it will be moves in a two of the directions, either in a downward, but the earth's interior is a solid form. Magma palis of thicker magma, it not allow, it doesn't allow the that material sediments move towards a downward. So such sediments it starts to arises in the form of a

एल्प आर द ओल फोल्ड माउंटेन ए एल पी एस इन यूरप इन इंडिया देर इज एस प्रेजेंट विच माउंटेन इज नोन एज फोल्ड माउंटेन इन इंडिया मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे आपने माइक क्यों कहा बोलो विच ऑफ द विच ऑफ द माउंटेन इन इंडिया इज नोन एज अल्ड फोर्ड माउंटेन नो ऑप्शन साधे वेरी गुड सी डराबली हिल्स ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स बिफोर आउट दमेशन ऑफ द हिमालयाथ एट अफिया जस्ट रिसेंटली टू बिलियन ईयर से गो बिलियन ईयर से गो कल ही की बात है चलो आगे चलते हैं यस सेकंड आर डाइवर्जेंट व्हेन टू प्लेट्स आर डिस्प्लेस हम लिक्विड मटेरियल के ऊपर अगर एक डिश को एक प्लेट को रख दे वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगी सेम एज टू प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर व्हिच लीड्स टू द डिप्रेशन जब दो लैंड मासेस अपनी जगह से हिलेंगे द डिप्रेशन आर कॉज इन बिटवीन थ्रू विच द रिफ्ट वैलीज आर फॉर्म दीज आर द डाइवर्जेंट मूवमेंट्स Divergent moments are leads to the tensional forces on a surface. Compressional forces exert due to the convergent moments. Tensional forces are exert due to as a transform and

Block mountains are formed. Block mountains. That's, rises portion of a block mountain is known as? Very good. Host. H-O-R-S-T-S. -S. Host. And a subsided portion, which is stuck the it's due to as a fault. the surface cracks. Due to as a crack, some portion of the earth, it subsided downward, some rises in an upward direction. Upsided, rises portion is known as a host. Subsided part is known as a graben. जी आर ए डबल बीई एन जी आर ए डबल बीई एन क्लियर ब्लॉक माउंटेन्स एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल यस हरगन वेरी गुड ये हरगन वट्स एग्जाम्पल आपने हा खुद ही हाथों पर किया वेरी गुड वॉस्गस वी ओ एस जी ई एस वॉस्गस यूरोप वी ओ एस जी एस याद रहेगा पहले भी याद था वेरी गुड चलो आगे रहेंगे तो दीज आर थ्री मूवमेंट सो अर्थ अराउंडनियर वॉसलाइज मास कॉन्टिनेंट प्रेजेंट ओवर अर्थ विच वॉज ने पेंजिया पेंजिया डे स्टैंड ऑल अफ Stand up, all of you. Dhruv, how much time you required? Tell you. So Pangea, the mass continent, which was lies on earth around the two billion years ago, Pangea, it was surrounded by the water body named as? No? What was the name of a water body which surrounded the Pangea? No options are there. Atlantic Ocean, Pacific Ocean,

Yes, Alfred Wegener. A-L-F-R-E-D, Wegener. Alfred Wegener. Around 1854, it was propounded the concept of a continental drift. Jitne continents aas these obtained from the mass continent Pangea. Angara land consisting the which of the continents of the world. Angara land, the northern part of the Pangea, it consisting the which of the continents of a present world. North America. आस्था अफ्रीका साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और क्या कहा एशिया नहीं? नहीं आप आस्था हैं एनी पूर्वी सिंपली द दो कॉन्टिनें विच आर लाइस इन अट दिन हेमिस्फियर ऑफ द वर्ल्ड इजी एनीबडी एशिया और नॉर्थ अमेरिका वन वो बोथ ऑफ यू से डाउन हाफाफ बताया वैसे यूरोप एशिया नॉर्थ अमेरिका एंड गोंडवान लेंड कंसिस्टिंग साउथ अमेरिका अफ्रीका अंटार्कटिका, इंडियन पेनिसुला एंड अंटार्कटिका सॉरी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया. इन्होंने सेम जो है ना कहा था इन्होंने you know, कुछ ऐड कर दिया था so when again as internal movements these were active on earth which leads to the disintegration of a, these land masses this integration of a land masses but before of it both the continents these moved towards each other angara land shifted towards dash in a in a process of the formation of the himalayas angara land shifted towards dash Kisnega. Sit down. South and Gondwana land shifted towards north. Compressional forces. Angara land shift towards north, shift towards south. Gondwana land shift towards north. Due to which, as the sediments which were present in between of a Tethys Sea, there were the folds were appear. Folds were appear. But when we are seeing the Himalayas, Himalayas these are not as a one folded structure. It is as a cycle of a number of a folded structures. A large number of folded structures are present in the Himalayas. What term has associated with this? When a number of a folds are appeared due to the compression compression of a land masses? The term has used in your chapter. We discuss in a uh, class? No. Himalayas, these are not the one single folded structure. It is a consecutive number of a folded structures appeared on a Himalayas. जो आप पढ़ते हैं थ्री रेंजेस आर देयर अपर मिडल एंड लोअर हिमालयास वो एक फोल्ड नहीं है अलग अलग अ सरफेस ड्यू टू नोन एज ऐसे फोल्ड हैं अपन हिमालयास के ऊपर नॉट अ सिंगल फोल्ड इज देयर ड्यू टू एज अ कंप्रेशनल

मेरी मुझे लगा मेरी गिवन ऑन पेज नंबर एट लेफ्ट साइड लास्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन एसिमेट्रिकल फोल्ड्स आर देयर यार एज सिमेट्रिकल इन नेचर एक फोल्ड नहीं है देयर आर कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ फोल्ड्स आर देयर जिसको आप रेंजेस कह देते हो हिमालयास आर द माउंटेन रेंजेस रेंज नहीं है रेंजेस नंबर ऑफ रेंजेस आर देयर जो आप कह रहे कैलाश पर्वत नंगा पर्वत, माउंट केतु माउंट एवरेस्ट ये आदा माउंटेन पीक किसको बिठा लो किसने का आंसर अच्छा? आप बैठो दिया ने बोला यस दिया बिठाओ क्लियर वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक इज द एग्जेक्ट फिगर एग्जैक्ट फिगर पूर्वी एट थाउजेंड एट हंड्रेड एटीन एनी बडी एल्स एनीबडी नो बडी पी का मीटर्स सेंटीमीटर मत लिख देना किसी को बिठा लो सेट डाउन एट थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी एट मीटर्स एस डेयर एवरेज हाइट दैट हाइट स्टार्ट टू मैर फ्रॉम

अपर हिमालयास आर ऑल्सो नून एस अपर हिमालयास ऑल्सो नून है सैनिक बोचस ये तो बताया है से डाउन